कई लोग समझते हैं कि रावण के 10 सिर थे, 10 सिर। अगर वेदों और शास्त्रों को विचारे तो 10 सिर नहीं थे उसके, 10 सिरों जितना ज्ञान था एक सिर में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा आनंद सिंह जी महाराज के वचन लिखे हुए हैं किताब में, कि एक चोर का जितना दिमाग होता है ना, चोर का दिमाग बहुत तेज होता है, 100 चोरों का दिमाग हो तो एक वजीर का दिमाग होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 100 वजीरों का दिमाग हो तो एक राजा का दिमाग होता है। ये निरंकार की देन होती है। 100 राजाओं का दिमाग हो तो एक संत का दिमाग होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और शास्त्रों में लिखा है रावण के पास 10 महापुरुषों जितना दिमाग था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे वेद शास्त्र कंठस्थ थे, उनके अर्थ पता थे, महाज्ञानी था रावण। इसीलिए उसे 10 सिर कहा जाता है, कि 10 सिरों का ज्ञान एक सिर में था, पर इसी ज्ञान की वजह से उसे अहंकार हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस बार संडे का प्रकरण क्या था? अहंकार निम्रता। हर जियो अहंकार न भावे। ये जो 10 पापों में एक श्रेष्ठ पाप है वो है अहंकार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि ये अहंकार अपने परिवार के साथ आता है, जहाँ जाते हैं। अगर अहंकार है तो बाकी 9 के 9 पाप भी जरूर हो जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रावण को अहंकार हो गया और राम को पहचान नहीं पाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष वचन किया करते थे, जब तक हमारे अंदर ये 10 पाप हैं, हम राम राम कहते तो रहेंगे, वो फल नहीं पा पाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ठीक है, हम कोई संत महापुरुष नहीं कि हमारे अंदर से सारे ऐब 1 मिनट में खत्म हो जाए। हम लगे हैं अमृत वेले, उठे हैं, गुरु नानक का वचन माना है हमने, अमृत वेले गुरु नानक उठा रहा है, उद्यम करके आ रहे हैं, सिमरन भी कर रहे हैं, एक एक करके अवगुण कम होता जाएगा, गुण भरते जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये गुरु नानक का काम है। अब हमने अपना फर्ज निभा दिया कि अमृत वेले उठ के आ गए और सिमरन में बैठ गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।